दोस्तों उम्मीद है बिडिंग सैंपल्स बड़ी डिटेल से समझ लगी होगी आई एम वेरी हैप्पी टू सी दी असेसमेंट रिजल्ट सो फार ये थम्स अप ये बात हुई अब आप माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं टू गेट स्टार्टेड एज अ फ्रीलांसर और एक से बढ़ के एक इंशाल्लाह रॉक करेगा फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस को अपनी प्रेफरेबल फ्रीलांस मार्केट प्लेस जो आपकी चॉइस होगी जो आपकी पसंद होगी हमने बिडिंग को बड़ा डिटेल से डिस्कस कर लिया आगे भी करेंगे लेकिन अगर आपको किसी बिड का रिस्पांस आ गया तो फिर क्या करना है पीएमबी खोल दिया अब आपको पीएमबी खोलने खोलवाने के इतने नुस्खे बता दिए डायरेक्ट रिस्पांस, एस्किंग अ क्वेश्चन गिविंग अ फ्री सैंपल और समथिंग ये सारी चीज़ें जो आपको बिड सैंपल्स में बताई हैं समझाई हैं इनका मकसद ही यही है कि एम्प्लॉयर प्रोजेक्ट मैसेज बोर्ड खोले एक दफ़ा पीएमबी खोल गया तो मैं आपको एक बात कई दफ़ा बोल चुका हूं और फिर दोहरा दूं हम पाकिस्तानी वैसे ही शेर हैं माशाल्लाह कम्युनिकेशन स्किल में बट दैट डजेंट मीन यू शुड नॉट वर्क ऑन योर बिजनेस डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अब यहाँ ही से तो पार्टी शुरू हुई है पार्टी शुरू इस तरह हुई है कि अगर आप एम्प्लॉयर को प्रॉपर रिस्पॉन्स ना दे सके अगर आपका जो पीएमबी का इनिशियल रिस्पॉन्स है वो तगड़ा ना हुआ वो वक्त पे ना हुआ उस पर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स प्रॉपर ना होए, तो गेम को क्या होगा खत्म हो जाएगी और क्या होगा? एम्प्लॉयर ने किसी और के साथ भी तो पीएमबी एम बी खाली आप ही तो नहीं है पूरे जान में तो जरूरी ये है कि एक दफा आए तो छोड़ना नहीं ये लोहे का बाजू एक दफा आए तो छोड़ना नहीं है उसको घेरना है अपना लोहा मनवाना है और बताने का आई एम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेरे जैसा कोई नहीं है हमसा हो तो सामने आए लेकिन वो क्या बातें जो एक रिस्पॉन्स को इफेक्टिव बनवाती हैं हाउ टू क्राफ्ट एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स तीन बातें आपके समातो के नजर करता जाऊंगा उन तीन को फॉलो कीजिएगा बट दैट डज नॉट मीन यू शुड ओनली फॉलो ऑल दोज थ्री पॉइंट्स कम अप विथ योर इनोवेशन ये तो मेरी इनोवेशन है ना दस साल का मजमुआ मार खा खा के, के रिस्पॉन्स कैसे करना है जवाब कैसे देना है आप अपना तरीका तरीकाकार ढूंढिए मिसाल के तौर पर मैं आपसे सवाल पूछता हूं असलम जनाब क्या हाल है हाँ अब आपने डिफरेंट रिस्पॉन्स दिए किसी ने कहा वालेकुम अलम मैं ठीक ठाक हूं एक ने कहा वालेकुम सलाम खैर है आपने कहा सलाम ठीक ठाक आप सुनाए आपका क्या हाल है उन्होंने उल्टा मेरे से भी सवाल पूछ लिया वालेकुम सलाम अल्लाह का फजलो करम है हर एक का रिस्पॉन्स फ़र्क है राइट मैसेज एक ही है खैरियत दरियाफ्त करना सिमिलरली पी एम बी में भी तीन जो मैं आपको पॉइंट्स एलिमेंट्स बताने जा रहा हूँ उनका मैसेज एक ही है बट यू कैन यूज इट डिफरेंटली कैन यूज इट अकॉर्डिंग टू यूर चॉइस टू बिगिन विथ ग्रीटिंग्स हैं हेलो ग्रीटिंग्स थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स कुछ भी लिखना चाहें जिससे उसको यह लगे कि आप उसका इस्ताल कर रहे हैं दूसरी चीज उसको एप्रिशिएट करना आपने बड़ी मेहनत की कि एम्प्लॉयर पी एम बी खोले बड़े आपने फॉर्मूले अप्लाई किए डायरेक्ट बाय गिविंग एन ऑफर बाय आस्किंग क्वेश्चन तीन ही बातें होती है ना भाई आपकी मेहनत का फल ये निकला कि पीएम बी खुल गया और एम्प्लॉयर ने अपना मकसद भी बयान कर दिया अब दूसरी बात आपको उसका शुक्रिया अदा करना है और शुक्रिया अदा करने के साथ एट द सेम टाइम उसके सवाल का और उसके पी एम ओपन होने का जवाब देना है क्या हो सकता है मिसाल के तौर पर हमने एक बिट की और बिट के रिस्पॉन्स पर एंप्लॉयर ने कहा यस आई वुड लाइक टू सी अ फ्री मॉकअप यह हो गया ऑफर वाली बात दूसरी बात क्या हो सकती है आपने सवाल पूछा था खातिन हजरात सवाल का जवाब मिल गया आपने पूछा क्या ऐसा है उसने कहा हां ऐसा ही है लेकिन और उसने अपने अल्फाज में लिख दिया तीसरी बात आपने कन्वर्सेशन इनिशिएट करने की ख्वाहिश का इजहार किया कैसे आपने कहा स्काइप पे आ जाए बात हो सकती है उसने कहा हाँ भाई आ जाओ पे बात हो सकती है आप बताओ आप क्या करोगे आप स्काइप का आईडी दोगे और आप ऐड करोगे तीनों बातें यही होगी तो आपने फॉरन ग्रीटिंग्स के बाद शुक्रिया अदा करना है थैंक्स फॉर ओपनिंग पीएमबी आई रियली अप्रीशिएट यू फॉर दिस जेस्चर तारीफ करनी है और उसके बाद उसके सवाल का जवाब दे दीजिए या उसने जो मकसद बयान किया है उसका रिस्पॉन्स दीजिए मॉकअप की बात करता है तो बताइए हाँ आई एम विलिंग टू डू द फ्री मॉकअप यू शूड गेट दैट इन दैट टाइम फ्रेम यानी अगर मॉकअप का सवाल था ऑफर के नतीजे में एम्प्लॉयर ने रजामंदी जाहिर की तो आप पे अब लाजिम है कि आप अपनी कमिटमेंट को ऑनर करें बट विद अ टाइम फ्रेम एज वेल कि ठीक है जी मैं मौका बनाने जा एग्री करता हूँ 24 से घंटे में आपको मौका मिल जाएगा टाइम फ्रेम दे दिया इससे क्या होगा एम्प्लॉयर आपको जवाब देगा थैंक यू हिशाम आई लुक फॉरवर्ड टू योर मौका इन 24 टू 48 एट आवर्स दूसरा सिनेरियो ले, ले लेते हैं ग्रीटिंग्स के बाद अगर वो सवाल का जवाब दे देता है तो आप पे फिर लाजिम है कि आप ये लिखिए कि इनफ आई विल फॉलो यूर गाइडलाइंस और उस पर अगर आगे कोई सवाल बनता है तो पूछ लीजिए खतोकताबी चलानी है ना सिलसिलाई चलाना है ना जितनी क्लैरिटी चाहिए प्रोजेक्ट के बारे में वो मांग लीजिए पहले आपने एक सवाल पूछा था अपनी बेड में अब आप एक और सवाल पूछ लीजिए आपको जवाब आएगा उसके नतीजे में अगर कोई और सवाल बनता है तो पूछ लीजिए आपने अपनी कन्फ्यूजन क्लियर करनी है द रीज़न वाई यू एस्ट द क्वेश्चन इज बिकॉज यू वॉन्टेड टू क्लियर अ कन्फ्यूजन और वो आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करा रहा है ही अंडरस्टैंड एज एन एम्प्लॉयर कि भाई आप बड़े सीरियस हैं अपने काम में आपने एक लॉजिकल सवाल पूछा है इसको तो जवाब सब सबसे पहले दूंगा तीसरी बात आपने कम्युनिकेशन चैनल इनिशिएट करने की ख्वाहिश का ज़हार किया तो वो कहता है कि मेरा ये स्काइप आई डी है इसको ऐड कर लो अब आप पे क्या लाजिम है आप पे लाजिम है आप स्काइप आई डी ऐड कीजिए और फौरन उसको इन्विटेशन भेजिए स्काइप से अगर उसने ई मेल की है तो फौरन ई मेल का जवाब दीजिए ये जहन में रहे कि कोशिश कीजिए कि जो कम्युनिकेशन पी से बाहर होती है उसको पी के अंदर राउट कर दीजिए okay, मैं कंफर्टेबल हूँ सारी कम्युनिकेशन एट वन प्लेस रखते हैं पी के अंदर ताकि हम अगर डाउन द रोड कोई सवाल हो कोई जवाब हो कोई तारीख से रिलेटेड इशू आ जाए कोई कन्वर्सेशन में ग्लिच आ जाए वी कैन ऑलवेज फॉल बैक एट डेट्स और पता लग जाएगा कौन गलत है मैं या आप ये ना बोल देना कि उसको ये कहेंगे पता लग जाएगा कि कौन गलत है मैं या आप या अगर तारीख़ में गड़बड़ हुई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा प्लीज़ रिस्पेक्टफुल रहना है सो दिस इज हाउ यू क्राफ्ट अ रिस्पॉन्स टू अ पी एम बी मैसेज आगे चल के यह जानना ज़रूरी है टाइम रिस्पॉन्स टाइम आपका मैसेज का कॉन्टेंट आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ ये तमाम चीज़ें कितने मायने रखती हैं इन पी एम बी